तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने गेमिंग चैनल के लिए सुपर थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हो बिल्कुल फ्री में, है ना। प्लस HD रिजोल्यूशन में कैसे बनाना है। थंबनेल जो है बहुत लोगों का यूट्यूब पे अपलोड करने का तो ब्लर हो जाता है, तो ब्लर ना हो आईफोन वाला जो नॉच होता है वो कैसे बनाना है, बीच में पंच होल कैमरा का नॉच कैसे बनाना है, या फिर वी टाइप यू टाइप वाला जो नॉच होता है वो कैसे बनाना है, या फिर अंडरलाइन जो अब मैं देखता हूँ बॉर्डर टाइप का वो कैसे बनाना। ये समझ लो कि आप जैसा चाहो वैसा थंबनेल बना सकते हो। तो चलिए आज वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि आप जो है इंप्रेसिव थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का मजा उठाते रहें भविष्य में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी पबजी खेलते हो या फिर BGMI जो भी खेलते हो ना, उसके लिए क्या करना है, आपको मान लिया कि स्क्रीनशॉट वगैरह करते हो, तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैं क्लिक कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट क्लिक करने का क्या करना है, आपके फ़ोन में जो गूगल फोटो होता है गूगल फोटो को ओपन करना है। स्क्रीनशॉट जो आपने क्लिक किया उसकी रिजोल्यूशन को आप क्या करना है, फुल HD में सबसे पहले उसको कंप्रेस करना है। तो फुल HD में आपको कैसे करना है कंप्रेस वो आपको मैं पहले सिखाता हूँ। तो आजकल सभी लोगों के फ़ोन में गूगल फोटोज़ मिलता ही है, ये फोटोज़ को यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको फाइनली जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ओपन कर लेना। अब क्या करना है, आपको इसको करना है आपको हाई रिजोल्यूशन में कंप्रेस, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको नीचे आना है, आपको नीचे एडजस्टमेंट पर, और सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ से कलर को जो भी मेंटेन करना है, सिचुएशन वगैरह कर सकते हो, यहाँ से वार्म्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फाइनली आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा POP का, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करके पूरा बढ़ा देना है और शार्पेन को यहाँ से पूरा इंक्रीज कर देना। भाई अब देखो ये ऑरिजिन दिख रहा, थोड़ा ब्लर दिख रहा था धुंधला टाइप का, अब देखो ये क्लियर दिख रहा था। इसको यहाँ से क्या करना है, सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद अब आपको यहाँ से एक ऐप दिख रहा होगा पिक्सल ऐप, बहुत ही फेमस है थंबनेल बनाने के लिए, बहुत लोग यूज़ करते हैं पिक्सल ऐप। क्या करना है आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो इमेज है ना वो फटे नहीं, उसको हाई रेजोल्यूशन में कैसे क्या करना है, सबसे पहले साइज बनाना है। तो साइज कैसे बनाना है, यहाँ पर आएंगे इमेज साइज पर और आपको यहाँ कर देना है 90x20x1080। उसके बाद क्या करना है आपको, थंबनेल का जो भी बैकग्राउंड रखना है उसको यहाँ से इस नीचे वाले पे आना लेयर पे और यहाँ कलर चूज़ कर लेना, जैसे ग्रेडियंट वगैरह भी बना सकते हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, तो जो आपको रखना है रख लो। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला जो ग्रेडियंट है इसको यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब क्या करना है आपको, ये बन गया, उसके बाद यहाँ सेव पे आना है। सबसे पहले सेव पे आना, सेव इमेज पे क्लिक कर दो, उसके बाद सेव टू गैलरी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये सेव हो गया, अब क्या करना है आपको फाइनली ऊपर आना, यहाँ से एग्जिट कर देना है इसको। एग्जिट हो गया, अब आपको फिर से क्या करना है, पिक्सल ऐप पे जाना है, फिर आप क्या करना है यहाँ से फ्रॉम गैलरी का नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो इमेज अभी ने मैंने सेव किया था इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट हो गया, यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ से डिलीट कर देना। हो गया, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी फोटोज़ वगैरह जो भी कुछ ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। देखो थंबनेल में क्या होता है ना भाई, कि जो हम लोग मोबाइल का नॉच वगैरह बनाते हैं, नॉच पंच होल या फिर आपको आईफोन टाइप का जो बड़ा वाला नॉच होता है उस टाइप का नॉच कैसे बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं बनाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक यहाँ पर जो भी आपका पबजी का थंबनेल बनाना है उसको, एक जो आपका स्क्रीनशॉट लिया था उसको ऐड कर देना। यहाँ पर इम्पोर्ट पर जाना है, उसके बाद यहाँ जाता फोटोज पर, फिर जाता आपको इरेजर पर। मैंने क्या कहता, चारों साइड का जो कोना होता है ना आपको कॉर्नर को हल्का सा गोल करना पड़ता है मोबाइल के शेप में, समझ गए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर इसको कॉर्नर को रखा हुआ गोल करके, ओके, जैसे मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ ये वाला, ओके, अब यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ से ओके हो गया, अब क्या करना आपको यहाँ पर एक क्या करना है, इसको मोबाइल का सेप देना है। तो मोबाइल का सेप देने क्या करना है आपको, सबसे पहले मोबाइल का जो फ्रेम है उसको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पे गए, उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे फोटोज़ पे, फिर जाएंगे इरेजर पे, और मैंने यहाँ पर कुछ जो फ्रेम होते हैं ना उसको यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि आपको बहुत सारा होता है, आपको फाइनली क्या करना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये वाला मेरा मोबाइल है ना Vivo X60, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ से बैक करने का क्या करना है आपको, देखिए अब क्या करना है, सिंपल था, इसको लॉक कर देना है। लॉक करने का इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से आपको क्या करना है, मिलाना अच्छे तरीके से।
चलिए साइज को मैंने कर लिया अच्छे से एडजस्ट। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंपल था, थोड़ा सा हल्का सा और नीचे ये आएगा। मैं बस तरीका बता रहा हूँ, समझे ना, सबका तरीका अलग अलग होता है जो मैं बनाता हूँ। आपको क्या करना, सिंपल था यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैमरा का जो मॉड्यूल होता है ना पंच होल, उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो पंच होल क्या करेंगे, सिंपल था, इम्पोर्ट पे जाएंगे। इम्पोर्ट पे जाने के बाद आपको जो इरेजर है मैंने उस पर पंच होल बना के पहले से रखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला कैमरा है, ये पंच होल दिख रहा है, इसको यहाँ ओके कर देना है। ओके करने का छोटा कर देना है इसको, और इसका इसका पोजीशन जो है आपको बढ़ा लेना है। अब क्या करना है आपको, इसका जो कैमरा का जो सेंटर है ना कि बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्टली क्या करना है आपको, सिंपल सा इस पे लेयर पे आना है और ये वाला जो दिख रहा है ना ये इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ जाना है इधर, इधर इसका ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देना है। देखो ये, सॉरी इसका नहीं, ये इमेज का ओपेसिटी आपको यहाँ से कम करना है, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से बैक आना है और ये वाले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद पोजीशन पे आना है, फिर यहाँ से देखो थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये मिल गया। अब क्या करना है, फाइनली यहाँ पर आना है और ये जो है इसका ओपेसिटी को फिर से बढ़ा देना है आपको, यहाँ से फुल कर दिए। ये देखो ये बन गया मेरा, ये थंबनेल बन गया। उसके बाद आपको लिखने का स्टाइल में बताता हूँ कि आप लिखते कैसे हैं। जैसे मान लेता कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ मैं बेस्ट थंबनेल फॉर पबजी मोबाइल, मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है आपको, फाइनली यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लेना है। फॉन्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ इस पर माय फॉन्ट पे, फॉन्ट कर दिया चेंज। अब देखो ये हो गया, इसका साइज को थोड़ा सा यहाँ से खींच के बड़ा कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया, फॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब क्या करना है कि मैंने, आपने मेरे बहुत सारे थंबनेल में देखा होगा कि उसके नीचे जो है एक लाइन होती है अंडरलाइन, तो अंडरलाइन कैसे करना है, अंडरलाइन के लिए यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको टेक्स्ट पे आना, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पे, और यहाँ पर आना कीबोर्ड में आपको ये एक तरह का ये डैश दिखेगा, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे, ये देखो इस तरीके का आएगा। तो इसको आप यहाँ से अंडरलाइन इजीली कर सकते हो, इसको प्रेस एंड होल्ड करके, तो आपका जो है अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ तो ओके कर देना, उसको यहाँ से इसको खींच के लंबा कर देना है, ये आपका हो गया इस तरीके से। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो भी लेयर का काम कर लेते हो फुट को फटाफट यहाँ से लॉक कर सकते हो। देखो सबको लॉक कर दो, क्या होगा कि जब भी आप दूसरे लेयर पे काम करोगे ना, तो ये जो आपका लेयर है ये मूव नहीं होगा, समझ गए, ये जो है ये कितना भी हिलाओगे तो ये मूव नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा। तो आपको लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। अब लॉक को करने का क्या करना है, आपको जो भी चीज़ ऐड करना है, चाहे मोबाइल का फ्रेम हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारा PNG बना के आपको पहले से रखना होगा। जैसे मान लें ये मैंने मोबाइल का फ्रेम ऐड किया और एक कैमरा आपका वो उसको PNG बना के मैं रखा हुआ था पहले से, उसको ऐड कर दिया। और सारा PNG जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे आना, वहाँ पर मेल आईडी सेंड कर देना, मैं आपको सारा मेल आईडी पे आपका PNG भेज दूंगा। और ये सारा PNG मैंने खुद से बनाया हुआ है, आपको PNG कोई भी मैं अलग से डाउनलोड नहीं किया हूँ, मोबाइल का फ्रेम बस डाउनलोड किया हूँ और बाकी का PNG मैं सारा उसको कटिंग पे खुद से बनाया हूँ, समझ गए। तो ये आपको कॉपीराइट बिल्कुल फ्री है, कॉपीराइट भी नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। उसका क्या करना है, आपको सेव करने का ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया थंबनेल, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बना लो, आपको जिस टाइप का थंबनेल बनाना है, बस थंबनेल का तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ गया। थंबनेल सबका अलग अलग होता है लेकिन तरीका सेम होता है, तो सही तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद सेव करने का क्या करना है, फाइनली आपको यहाँ पर सेव पे जाना है, सेव पे जाने का सेम इमेज पे जाना है। उसके बाद डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको क्या करना है, यहाँ से आपको कर देना अल्ट्रा पे, ओके। अल्ट्रा पर जैसे सेव कर दोगे, देखो ये सेव हो गया, इसको यहाँ से बैक कर देना। अब क्या करना है, उसका जो रिजोल्यूशन है मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। जाना इमेज पे, फिर आपको यहाँ से जाना है पिक्सल लैब पे। तो अभी हमने दो इमेज सेव किया था, सबसे पहला वाला ये था, इसका रिजोल्यूशन है आपको 9020x1080 मेगापिक्सल, 224 KB का, ओके। और फिर आपको ये वाला देखो, इसको जो मैंने सेव किया यहाँ पर दिख रहा है आपको,
3264x1836 1.6 MB का यहाँ पर दिख रहा है 6 मेगापिक्सल का। तो ये जो थंबनेल है ना आपका सेट करने के बाद आपको कभी भी यहाँ से फटेगा नहीं, समझ गए, तो ब्लर नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको पिक्सलेट नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपको तरीका है थंबनेल को आपको सेट करने का, एक्सपोर्ट करने का आपका पिक्सल है, समझ गए। तो इस तरीके से आप थंबनेल बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर सेट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा व्यूज़ को यहाँ पर ला सकते हो। तो गाइस आज की पूरी वीडियो यही थी, और आपको कोई अगर हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर करना। और भी कोई तरीका आपको अगर जानना हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM करना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज टेक केयर।